रेगुलर एक्सप्रेशन टू डी एफ ए, ठीक है। तो देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू डी एफ ए कैसे होता है। जैसे कि ए प्लस बी, अगर कोई जैसे कि ए प्लस बी का अगर रेगुलर एक्सप्रेशन देखा जाए तो सपोज क्यू ज़ीरो इनिशियल स्टेट एंड क्यू एफ इज फाइनल स्टेट, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी ओके, देन क्यू ज़ीरो क्यू एफ, ठीक है। और ओके ये होता है ए प्लस बी रेगुलर एक्सप्रेशन का डी एफ ए, ओके क्यू एफ और फाइनल स्टेट, ओके। और अगर देखें तो ए डॉट बी का रेगुलर एक्सप्रेशन, तो जैसे फर्स्ट क्यू ज़ीरो ए बी, ओके सेकेंड क्यू ज़ीरो, देन मिडिल में एक स्टेट होगा जो मैं नाम क्यू वन देता हूँ, एंड लास्ट इज क्यू फाइनल स्टेट मतलब क्यू एफ, ओके इधर है इधर को बी, ओके। सो ए प्लस बी एंड ए बी, अगर किसी के ए के स्टार स्टार आए तो क्या होगा, ओके तो ये देखते वो एक लूप होगा, ओके ये हुआ ए स्टार का डी एफ ए, ओके। तो आप देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसे हम डी एफ ए को कॉन्फिगर करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। जो पहले जो इस फॉर्मूला में देखा था कि प्लस का ऐसे होता है एंड इनटू का ऐसे होता है, स्टार का ऐसे होता है, ओके ओके। तो अब देखते हैं इसको, सपोज यहाँ पर क्यू ज़ीरो क्यू एफ, ओके वन ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस वन वन ज़ीरो स्टार वन, ये वो हमारा स्टेप वन पहला स्टेप। तो पहले प्लस पहला पोर्शन जाएगा उधर एंड सेकेंड पोर्शन जाएगा इधर, तो वन ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन वन ज़ीरो स्टार वन, ओके। सेकेंड इज जैसे कि प्रोडक्ट का होता है इनटू का, तो पहले मैं मिडिल में एक स्टेट लेता हूँ क्यू वन, जो वन इधर क्यू एफ जो फाइनल स्टेट, ठीक है, ज़ीरो और इधर पे ज़ीरो प्लस वन वन ज़ीरो स्टार एंड वन, ओके। अब इसको अगर देखें तो आप क्यू ज़ीरो क्यू एफ यहाँ पर क्यू वन, तो इधर वन इधर ज़ीरो एंड इधर फिर से दोनों पार्ट होगा क्यू टू नाम देता हूँ इसका, तो इधर ज़ीरो प्लस वन वन इधर क्यू थ्री ज़ीरो स्टार इधर वन, ठीक है। जैसे कि पहला ए होता है सेकेंड है थर्ड है, ओके। तो आप देखते हैं इसके, तो क्यू ज़ीरो जैसे का पहला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ओके ये जो होगा ये क्या होगा, ए
q2 से ओके 0 और 1 1 ओके। तो इधर एक लूप जाएगा क्योंकि इसके लिए, एंड इधर कुछ नहीं तो ये जाएगा, ठीक है सॉरी। तो इधर q3 एंड इधर q1 ओके। तो अब इसको ड्राइव करना होगा, जैसे कि तो अब इसको करना होगा, जैसे कि फर्स्ट पहले q0 सब सेम ही रहेगा, q1 qf 1 0 इधर 0, इधर एक स्टेप होगा उसका नाम मैं q4 देता हूँ, जैसे 1 जाएगा इधर q2 रहेगा 1 1 ओके। जस इस पार्ट को मैंने और भी ड्राइव किया ओके इस पार्ट को ओके। तो q3 से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं जा रहा है, एक नाल है जैसे कि नाल ओके। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ लाइक q3 नहीं है, तो qf से डायरेक्ट q2 का कनेक्शन हो जाता है ठीक है। तो q2 पे एक सेल्फ लूप था 0 का, एंड q2 से डायरेक्ट q1 ओके। ये है उस अब जैसे कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन का DFA ठीक है। थैंक यू।